नमस्कार दोस्तों, मिस्टीरियस टीवी हिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम बात करने वाले हैं टाटा मोटर्स की। तो टाटा मोटर्स के ऊपर 1,00,000 करोड़ से ज्यादा कर्ज हो चुका था, बट उसके बाद भी टाटा मोटर्स कैसे बाउंस बैक किया, आप ये वीडियो में जानने वाले हैं। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। 2019 में पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी टाटा मोटर्स महज कुछ सालों में भारत के लार्जेस्ट व्हीकल मैन्युफैक्चरर कैसे बना। दरअसल आज से करीब 30 साल पहले टाटा मोटर्स की हालत इतनी ज्यादा खराब थी कि इनको एक एक गाड़ी बेचना भी मुश्किल हो गया था। सभी को यही लग रहा था कि टाटा मोटर्स अब कमबैक नहीं कर पाएगी, क्योंकि कंपनी 2019 तक 1,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का कर्जा हो गया था। लेकिन इसके बाद भी सिर्फ 3 सालों में ही कुछ ऐसा चमत्कार हुआ कि टाटा मोटर्स आज भारत की इलेक्ट्रिक व्हीकल मार्केट में सबसे ज्यादा सेल करने वाला कंपनी बन गई है। टाटा मोटर्स ने सेल्स न होने की वजह से पूरी तरह से कर्जे में डूब चुकी थी। उसने इतने कम समय में इतना बड़ा कमबैक कैसे किया और ऐसी कौन सी स्ट्रेटेजी अपनाई जिसके वजह से टाटा मोटर्स का सेल्स बढ़ गया। टाटा मोटर्स के बिजनेस एनालिसिस के बारे में बताने वाले हैं कि उन्होंने ऐसी कौन सी एनालिसिस की और ऐसी कौन सी स्ट्रेटेजी अपनाई थी जिसके बाद उनका सेल्स जीरो से लेके हाई तक पहुंच गया था। टाटा मोटर्स को आज से 70 साल पहले 1945 में फाउंड किया गया था, लेकिन पैसेंजर व्हीकल मार्केट में इसकी शुरुआत सन 1991 से मानी जाती है, क्योंकि इसी साल टाटा ने अपनी पहली एसी क्यूबी टाटा सियारा को लॉन्च किया था। साल 1991 में 2008 तक थोड़ी सी ही लेकिन कंपनी को सक्सेस दिखी थी, लेकिन फिर से 2008 में टाटा मोटर्स ने अपनी एक सबसे सस्ती कार टाटा नैनो को भारत में लॉन्च किया था, जो कि मार्केट में कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाया था और यह टाटा मोटर्स के लिए उसका सबसे बड़ा मार्केट फेलियर बन गया था। लेकिन फिर टाटा मोटर्स ने 2008 में जगुआर लैंड रोवर को खरीदकर मार्केट में एक जबरदस्त कमबैक किया, जिस कारण इसका मार्केट शेयर एकदम से काफी ज्यादा बढ़ गया। लेकिन इनकी ये सक्सेस भी सिर्फ साल 2019 तक ही जारी रह पाई। एक्चुअली जगुआर और लैंड रोवर का बिजनेस मेनली चीन और यूरोपीय देशों से माना जाता है। अब हुआ यू कि एक तरफ तो चीन में 0% तक का टार्क बढ़ा दिया और साथ ही साथ JLR के कार में कुछ टेक्निकल एरर आने की वजह से साल 2017 में कंपनी को 1,00,000 से भी ज्यादा व्हीकल वापस मंगवाने पड़े थे। और यही वजह थी कि JLR को सिर्फ चीन से ही 33% का रेवेन्यू टाटा मोटर्स को दे रही थी। ये रेवेन्यू 2017 में घटकर सिर्फ 10% ही रह गया था। और दोस्तों, चीन के अलावा यूरोपियन देशों में भी डीजल व्हीकल पर टैरिफ बढ़ा दिया और इलेक्ट्रिक व्हीकल को प्रमोट करने लगी थी, जिसके वजह से JLR के 90% व्हीकल डीजल वेरिएंट के थे, जिसकी वजह से टाटा मोटर्स को JLR की कार तो बहुत कम प्राइस पर बेचनी पड़ी। और दोस्तों, JLR के ऐसी मार्केट में फेलियर की वजह से ही टाटा मोटर्स 1,00,000 करोड़ रुपए के कर्जे में डूब गया था और भारत में भी इनका मार्केट शेयर घटकर सिर्फ 3% रह गया था। नौबत तो यहाँ तक पहुंच गई थी कि मार्केट में टाटा मोटर्स के पूरी तरह से शटडाउन होने की बात होने लगी। लेकिन फिर अगले ही 2 सालों में टाटा मोटर्स ने ऐसा कमाल किया कि कंपनी का शेयर 3% से बढ़कर सीधा 50% के करीब पहुंच गया और इलेक्ट्रिक व्हीकल मार्केट में तो कंपनी ने 2% का मार्केट शेयर कैप्चर कर लिया था। असल में टाटा मोटर्स को यह सक्सेस ऐसे ही हासिल नहीं हुई, बल्कि इसके पीछे भी कई बड़ी बड़ी और अहम स्ट्रेटेजी इसका रोल निभा रही है। तो नंबर 1 है रिमोट होल्ड विकल्प फ्रॉम द मार्केट। तो 2020 में जब लॉकडाउन हुआ और कंप्लीट लॉकडाउन लगाया गया था, उसी समय कंपनी की सेल्स लगभग ना के बराबर ही हो रही थी। लेकिन कंपनी ने इसी समय का फायदा उठाया और कुछ ऐसे कदम लिए जिसकी वजह से कंपनी की टोटल सेल एकदम से बढ़ गई। दरअसल कंपनी ने इनोवेशन और सेफ्टी पर जोर दिया और उसके लिए उन्होंने सबसे पहले अपने सभी पुराने मॉडल्स जैसे सुमो जेस्ट और बोल्ट वगैरह को मार्केट से धीरे धीरे हटाना शुरू किया। अब जब कंपनी ने मार्केट में नए नए कार्स को लॉन्च करना शुरू कर दिया था, जैसे कि टाटा हैरियर, टाटा नेक्सन और उसके वेरिएंट भी मार्केट में उतर गए थे, इसकी सेल एकदम से बढ़ने लगी। और अगर हम बात करें 2020 के टोटल सेल्स डेटा पर, तो नजर डाले तो पता चलता है अकेले नेक्सन की सेल्स ही 1,00,000 कार से ज्यादा रही थी और उसी के साथ ही उसकी टोटल सेल 69,000 के आसपास रही। इसके बाद से 2021 में जब टाटा ने टाटा पंच को लॉन्च किया, तो अगले ही 2.5 महीनों में
इसकी सेल 20,000 नई गाड़ियां सेल हो गई थी। इसी तरह मार्केट में नई नई गाड़ियां लॉन्च करने की यह स्ट्रेटेजी काम कर गई थी। नंबर 2, वर्टिकल इंटीग्रेशन। दोस्तों, जब मार्केट में इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल लॉन्च करने की बात हुई तो मारुति सुजुकी जैसी बड़ी कंपनी में भी रिस्क को देखते हुए 2025 से पहले तक कोई भी इलेक्ट्रिक व्हीकल लॉन्च करने से साफ मना कर दिया था, क्योंकि उन्हें पहले इंडियन एवी मार्केट को प्रॉपर तरीके से जानना था और ऐसे ही बाकी सब कंपनियों को सामने भी इलेक्ट्रिक व्हीकल मार्केट में उतारने के अपने अलग अलग रीजन थी। उनके मन में भी ऐसे बहुत सारे सवाल थे कि इसका अगला डिजाइन कौन सा होगा, चार्जिंग स्टेशन कैसे लगेंगे और बैटरी कहाँ से इंपोर्ट होगी। लेकिन टाटा मोटर्स के पास इन सभी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन पहले से ही मौजूद था। दरअसल इस कंपनी ने जब इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाने का फैसला किया तो इन्होंने ये सारे काम खुद करने की जगह टाटा ग्रुप की उन अलग अलग कंपनीज को सौंप दिया जिन कंपनीज के इन अलग अलग कामों में बटी हुई है। फॉर एग्जाम्पल, टाटा मोटर्स ने चार्जिंग स्टेशन बनाने का काम, टाटा पावर को सॉफ्टवेयर बनाने का काम, TCS को और बैटरी बनाने का काम टाटा केमिकल्स को सौंपा हुआ है। और इस तरह इस स्ट्रेटेजी से टाटा मोटर्स की EV के लिए आउटसोर्स डिपेंडेंसी पूरी तरह से खत्म हो गई और टाटा अपनी SUV का पूरा प्रोडक्शन खुद कर पाता है। इसका फायदा ये है कि एक तो टाटा मोटर्स दूसरी कंपनियों की तुलना में बेहद सस्ती कारें बना देता है, साथ ही साथ दूसरी कंपनियों पर डिपेंडेंसी न होने की वजह से इनके सभी काम खुद ही कर लेते हैं। नंबर 3, प्रोएक्टिव अप्रोच। तो टाटा मोटर्स के टोटल सेल में हुए पॉजिटिव चेंज का एक बड़ा रीजन है प्रोएक्टिव अप्रोच। जहां बाकी कंपनियां भारत में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को लॉन्च करने से डर रही थी, वही टाटा मोटर्स ने बहुत पहले ही समझ लिया था कि फ्यूचर SUVs का ही होने वाला है। इसलिए उन्होंने ABS को मार्केट में उतारने का फैसला किया और सबसे पहले टाटा नेक्सन को मार्केट में उतारा। टाटा नेक्सन को इतनी बड़ी सक्सेस रही कि आज पूरे इंडियन मार्केट में अकेले टाटा के 64% मार्केट में कैप्चर कर लिया था। टाटा मोटर्स ने SUV सेक्टर में 84% हिस्से को अपने कब्जे में कर लिया है। इस तरह से टाटा मोटर्स ने i20 बनाने का जो रिस्क लिया था, यही प्रोएक्टिव अप्रोच इनके लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद साबित हुआ। टाटा मोटर्स की इस सक्सेस में वोकल फॉर लोकल राउंड का भी एक बहुत बड़ा अहम रोल रहा है। दरअसल 2019 में जब कोरोना वायरस आया तो उस समय भारत में बहुत से चाइनीज प्रोडक्ट बैन कर दिए गए और स्वदेशी प्रोडक्ट्स को बढ़ावा दिया गया था, जिसका सीधा असर भारतीय कंपनियों को हुआ। इस कैंपेन की वजह से लोगों ने विदेशी प्रोडक्ट्स, खास करके चाइनीज प्रोडक्ट का बॉयकॉट किया और यही नहीं, इसका सबसे ज्यादा फायदा भारत की होम कंपनीज को हुआ था। टाटा मोटर्स ने इंडियन कस्टमर को समझा और उन्हें समझा कि इंडियन कस्टमर जेब और माइलेज को देखकर ही गाड़ियां खरीदते हैं। वही आज की बात करें तो लोगों की पर कैपिटा इनकम और आदतें दोनों बदल चुकी है और लोग अब माइलेज व कीमत से ज्यादा लग्जरी और सेफ्टी को ध्यान में रखकर गाड़ियां खरीदने लगे हैं। लोगों की सोच में आए इस बदलाव का सबसे बड़ा श्रेय सोशल मीडिया कंटेंट क्रिएटर्स को जाता है। असल में हुआ यूं कि पिछले कुछ सालों में बहुत से क्रिएटर्स ने सोशल मीडिया पर टाटा कार्स की बिल्ड क्वालिटी, क्रैश लिस्ट, एक्सीडेंट और सेफ्टी को लेकर वीडियो डालने शुरू किए। अब लोगों को ये कंटेंट भी पसंद आने लगा, जिसे टाटा का फ्री में एडवर्टाइज हुआ और सोशल मीडिया पर इन वीडियोज ने लोगों के लिए प्रोडक्ट रिव्यू का काम कर दिया, जिसके चलते इन लोगों का टाटा की गाड़ियों पर भरोसा बढ़ गया और बेहतर सेफ्टी को अपनी फर्स्ट प्रेफरेंस मानकर टाटा की कार को खरीदने लगे। इस तरह टाटा कार्स की सेल्स सिर्फ 3 सालों के अंदर ही इतनी ज्यादा बढ़ गई। तो बस आज के लिए इतना ही। आपने देखा कि किस तरीके से टाटा ने ऐसी स्ट्रेटेजीज अपनाई जिसके वजह से उनका सेल लगभग 2 गुना हो गया था। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो ये वीडियो को लाइक कर देना, नए हो इस चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।